हाय दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस एग्जाम में। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपके लिए बायोलॉजी के एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, रक्त यानी ब्लड। आज मैं आपको ब्लड के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी वीडियो की। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड होता क्या है दोस्तों। तो ब्लड जो होता है हमारा रक्त जो होता है, एक प्रकार का जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक होता है जिसमें कहा जाता है इसे कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो शरीर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने का काम करता है, वह संयोजी ऊतक कहलाते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट से ये कि रक्त क्या होता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका काम होता है शरीर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने का जो होता है वो काम करता है। अगर हम बात करें रक्त की, तो रक्त जो होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक होता है कि रक्त जो होता है हमारे शरीर के कुल भार का कितना परसेंट होता है, कई बार पूछा भी एग्जाम में। तो ये जो होता है शरीर के कुल भार का जो होता है 7% जो होता है हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है। हमारे वेट का, टोटल वेट का 7% जो होता है वो हमारे शरीर में ब्लड होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए रक्त का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो रक्त का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन करने वाले विज्ञान को अपन हीमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रक्त का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो जो ब्लड साइंस होता है उसको हीमेटोलॉजी कहा जाता है। और एक बात करें स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, अगर बात करें स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर ब्लड होना चाहिए, तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो होता है दोस्तों 5 से 6 लीटर जो होता है वो ब्लड पाया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति होगा तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर होगा। परंतु जो महिलाएं होती है उनमें जो होता है पुरुषों की तुलना में जो होता है 0.5 लीटर यानी 1/2 लीटर जो होता है रक्त जो होता है वो कम पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं में जो रक्त होता है वो पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर जो ब्लड की मात्रा होती है उनके शरीर में जो होती है वो कम पाई जाती है। अगर हम बात करें रक्त कितने प्रकार का होता है, अगर हम बात करें रक्त के भाग कौन कौन से होते हैं, तो रक्त के भाग होते हैं, तो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट काम होता है दोस्तों रक्त का काम क्या होता है। रक्त का मेन काम होता है आपके शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। रक्त का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन होता है वो किसी ब्लड के माध्यम से होता है। नेक्स्ट अगर बात करें रक्त के प्रकार कितने होते हैं, तो रक्त जो होता है दोस्तों हमारे रक्त के जो होते हैं वो दो भाग होते हैं। रक्त के दो भाग होते हैं, एक होता है आपका प्लाज्मा, एक होता है आपकी रक्त कोशिकाएं। रक्त के दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रक्त कोशिकाएं। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो टोटल ब्लड का 55 से 60% जो होता है लगभग जो होता है वो प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त कोशिकाएं जो होती है वो 40 से 45% जो होता है वो हमारे शरीर में जो होती है रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। अगर इसमें बात करें रक्त कोशिकाएं, तो रक्त कोशिकाएं भी जो होता है वो फिर 3 प्रकार की पाई जाती है। आपने सबने सुना होगा रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की पाई जाती है, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। रक्त कोशिकाएं फिर वापस आपस में 3 भागों में बटी होती है, आरबीसी। आरबीसी को आप लोग सभी जानते हो, हिंदी में कहा जाता है इसे लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। एक होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स या हिंदी में कहा जाता है इसे रक्त बिंबाणु। तो दोस्तों ये था ब्लड। ब्लड क्या होता है एक बार फिर से देखते हैं। ब्लड जो होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। रक्त जो होता है हमारे पूरे शरीर का भार का जो होता है टोटल 7% जो होता है वो ब्लड पाया जाता है। रक्त का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो कहलाता है वो अपना हीमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है रक्त जो होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर होता है, परंतु महिलाओं में जो होता है ये 0.5 लीटर यानी 0.5 लीटर जो होता है ब्लड जो होता है स्वस्थ महिलाओं में जो होता है कम पाया जाता है। रक्त का मेन काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। और हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रक्त कोशिकाएं। अब प्लाज्मा जो होता है वो पूरे ब्लड का 55 से 60% होता है, और रक्त कोशिकाएं जो होती है ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फिर आरबीसी जिसे लाल रक्त कणिका कहते हैं, फिर होता है डब्ल्यूबीसी जिसे श्वेत रक्त कणिका,
फिर एक होता प्लेटलेट्स जिसे रक्त जीवाणु भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अब रक्त के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा के बारे में मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। प्लाज्मा जो होता है हमारे जो ब्लड का जो होता है 55 से 60% जो होता है वो प्लाज्मा पाया जाता है। अब प्लाज्मा क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा में जो होता है प्लाज्मा भी जो होता है अगर मैं प्लाज्मा को टोटल 100% मानूं तो दोस्तों प्लाज्मा में जो होता है वो 90% जल पाया जाता है प्लस 7% जो होता है इसमें प्रोटीन पाया जाता है प्लस 0.1% जो होता है इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेपर में पूछा था कि प्लाज्मा में ग्लूकोज कितना पाया जाता है तो 0.1% जो होता है इसमें ग्लूकोज पाया जाता है तथा 0.9% जो होता है इसमें नमक यानी सॉल्ट पाया जाता है। 0.1% इसमें सॉल्ट यानी क्या होता है? नमक पाया जाता है। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूँ तो इसमें 90% जो होता है वो जल पाया जाता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.1% इसमें ग्लूकोज पाया जाता है, 0.9% जो होता है इसमें नमक पाया जाता है। अब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में जो होते हैं वो तीन तरह के इसमें जो होते हैं प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में जो होते हैं तीन प्रकार के जो होते हैं इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। एक होता है इसमें फाइब्रिनोजन, एक होता है इसमें फाइब्रिनोजन। दूसरा अगर बात करें प्रोटीन की तो इसमें पाया जाता है एल्बुमिन, और अगर तीसरे की बात करें तो इसमें होता है ग्लोबुलिन। तीन प्रकार के जो होते हैं इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में जो होते हैं वो तीन तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजन का काम होता है रक्त का थक्का बनाने, ब्लड प्रोटीन का जो होता है ये हेल्प करता है फाइब्रिनोजन। उसके बाद होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम जो होता है वो हमारे शरीर का क्या होता है परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है परासरण दाब को जो होता है ये कंट्रोल करने का काम करता है। हमारे शरीर के परासरण दाब को जो होता है वो कंट्रोल करने का काम करता है एल्बुमिन, और ग्लोबुलिन जो होता है वो शरीर को जो होता है प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो बात है प्लाज्मा एक बहुत इसमें इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, प्लाज्मा में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। एक होता है सीरम। सीरम होता क्या है? सीरम की अगर बात करें जब मैं प्लाज्मा में से अगर मैं फाइब्रिनोजन को निकाल दूं, जब मैं प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल दूं तो शेष जो बचा हुआ भाग होता है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। जब मैं क्या होता है दोस्तों फाइब्रिनोजन को अगर निकाल दिया जाए, फाइब्रिनोजन को छोड़कर शेष भाग जो होता है वो सीरम कहलाता है। शेष भाग जो होता है वो मेरा सीरम कहलाता है। अगर मैं फाइब्रिनोजन को निकाल दूं तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं? सीरम कहलाते हैं। और जो सीरम का जो रंग होता है दोस्तों, सीरम का जो रंग होता है वो आपके पीले रंग का होता है। सीरम का जो कलर होता है वो पीले रंग का होता है। और इसी में जो होता है दोस्तों बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है जिसके अवशोषण अगर लीवर बंद कर दे तो इसी के कारण जो होता है वो पीले रंग उत्पन्न होता है।